ये क्या कर दिया तुमने मेरी गाड़ी में, स्क्रैच मार दिया? अरे सॉरी सर, तुम मेरी वाइफ कार चलाना सीख रही है ना? नहीं है, इसलिए गलती से थोड़ी टक्कर लग गई। वो कार चलाना सीख रही है तो मैं क्या करूं, मेरा तो नुकसान हो गया ना। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे नुकसान की भरपाई करो वरना मैं अभी पुलिस बुलाता हूँ। अरे वेट, अब इसमें पुलिस बुलाने की क्या जरूरत है, जितना का आपका नुकसान हुआ है ना मैं भरपाई कर देता हूँ। सर को ना 10,000 का चेक दे दो। आप 10,000 क्यों, 15,000 दे दो, 5,000 इनका जो टाइम वेस्ट किया उसके लिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना सर? मुझे क्या प्रॉब्लम होगा, पर पैसे लेने से भला किसको प्रॉब्लम होती है। थैंक्स। मुझे ये चेक नहीं चाहिए। अरे अब क्या हो गया, अगर पैसे कम लग रहे हैं तो और ले लो। नहीं, मुझे अब कोई पैसे नहीं चाहिए, अब मैं पुलिस को ही बुलाऊंगा यहाँ पर। अरे ऐसे अचानक से क्या हो गया सर? मैंने कहा ना मैं कोई पैसे नहीं लूंगा अब। हेलो। वाह, मुझे कानूनी लोग ना बहुत पसंद है। एक काम करते हैं, जब तक पुलिस आती है हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो वैसे भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ टाइम स्पेंड करके। हाँ क्यों नहीं, वैसे भी गर्मी बहुत हो रही है, पी लेते हैं कोल्ड ड्रिंक। वैसे पुलिस कब तक आएगी सर? बस आती होगी। ओके तब तक हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। थैंक्स। अरे सर, सर आप ठीक है? सर क्या हुआ आपको, आप ठीक तो है? वही है वो आदमी, देखिए ना सर, ये आदमी खुद नशा किया हुआ है और गाड़ी में टक्कर मार दी मेरे, पर यहाँ पर खड़ा होकर बदतमीजी कर रहा है। देखिए सर, ड्रिंक करके ड्राइव करना कानूनी अपराध है, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। नहीं साहब, मैंने कोई ड्रिंक नहीं की, अगर मैंने ड्रिंक की होती तो मैं आपको कॉल कैसे करता। ये आदमी झूठ बोल रहा है, क्योंकि मैंने तेरा फोन छीन के पुलिस को कॉल किया था। लेकिन सर एक बात समझ नहीं आ रही, आपने मुझे अपने फोन से कॉल क्यों नहीं? अरे सर मेरा फोन डेड हो गया था। मैडम आपका फोन कहाँ है, फोन दिखाइए अपना। नहीं सर, मेरा ही फोन डेड हो गया है। देखिए मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी तलाशी ले सकता हूँ। लेकिन तलाशी क्यों? सर देखिए, आपको बीच माने की जरूरत नहीं है, आप मुझे मेरा काम करने दीजिए। मैडम ये आपके गाल पर निशान कैसे? अरे सर कुछ नहीं, वो मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। ये कोल्ड ड्रिंक में, सर ये कोल्ड ड्रिंक आपने पी थी? हाँ मैंने पी थी। और ये कोल्ड ड्रिंक आपको किसने दी थी पीने के लिए? इसने ही पिलाई थी मुझे ये कोल्ड ड्रिंक। इसके अंदर तो नशे की गोली है। ओ मिस्टर, इस कोल्ड ड्रिंक में नशे गोली मिलाने के जुर्म में मैं आपको अरेस्ट करता हूँ। अरे सॉरी सर, मुझे नहीं पता कि ये गोली। चुप, अब जो भी बोलना चल के थाने में बोलना। और सर आप, पास में हॉस्पिटल है, मैं कॉन्स्टेबल को भेजकर आपका इलाज करवाता हूँ। एक मिनट सर, मुझे मैडम से कुछ बात करनी है। मैडम अगर आपकी कोई हेल्प करता है ना, तो आपका भी फर्ज बनता है उसकी हेल्प करना। और आज डर के मारे पुलिस के आगे आप कुछ नहीं बोल पा रही है ना, तो जिंदगी भर आप कुछ नहीं बोल पाएंगी। आप जैसी डरपोक औरतें हैं ना, इन जैसे मर्दों का मनोबल बढ़ाती हैं। उल्टा मैं आपकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन आपने कोई सपोर्ट नहीं दिया। अगर ये पुलिस वाला अच्छा नहीं होता तो मैं तो जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे हो जाता ना। वैसे आपके पास बहुत टाइम है और ये आपकी जिंदगी का सवाल है। अगर आपको कभी कंप्लेंट करनी हो ना, तो बगल में पुलिस स्टेशन है, आप जाके लिखित कंप्लेंट दे देना वहाँ पर अपने पति के खिलाफ। ठीक है मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। आजकल ऐसे बहुत सारे घर हैं जिनके अंदर महिलाओं को अत्याचार सहना पड़ता है। उन औरतों या लड़कियों को आगे बढ़कर आना चाहिए और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस वीडियो में इस इंसान ने बिल्कुल ठीक किया? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलना दोस्तों।